एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य विचारक जो थे, उन्होंने जो शैक्षिक विचार दिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाश्चात्य विचारक में हम आज देखेंगे प्लेटो के बारे में कि प्लेटो ने शैक्षिक विचार में क्या क्या बताया है। उसके बाद हम रूसो का देखेंगे एंड जॉन डीवी के बारे में भी पढ़ेंगे, फ्रोबल के बारे में भी देखेंगे एंड लास्ट वन है मारिया मॉन्टेसरी के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट इज प्लेटो। तो प्लेटो क्या थे? प्लेटो एक दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे, समाज सुधारक थे और एक शिक्षा शास्त्री थे। इनको राजनीतिज्ञ भी कहा गया था और एक गणितज्ञ भी थे। तो ये प्लेटो के बारे में हो गया। एंड प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में हुआ था। एथेंस एक ग्रीस में ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। और 427 मतलब 427 BC बिफोर क्राइस्ट, 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था एथेंस में। एंड स्टूडेंट ऑफ सुक्रात, मतलब स्टूडेंट ऑफ सुक्रात मतलब ये सुक्रात के स्टूडेंट थे। सुक्रात क्या थे? इनके गुरु थे। जो प्लेटो थे वो सुक्रात के शिष्य थे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म दिया गया है। सुक्रात जो थे वो गुरु थे, मतलब टीचर थे प्लेटो के, और प्लेटो जो थे वो टीचर थे अरस्तु के। तो आप इतने याद कर लोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा ये टर्म। जो प्लेटो थे वो स्टूडेंट थे सुक्रात के, और अरस्तु जो थे वो प्लेटो के स्टूडेंट थे। सो यहाँ पे देखेंगे कि जो सुक्रात का था वो डेथ हो गया था जहर खाने की, जहर की वजह से उन्होंने जहर का वो पी लिया था। वो जानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने पी लिया था। 399 BC में, मतलब 399 ईसा पूर्व में सुक्रात की मौत हो गई थी। प्राणदंड मतलब वही जो जहर मिला था, एक दंड उन्होंने खुद पी लिया था। और तभी जो थे प्लेटो ने, तभी प्लेटो क्या थे, प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया था। प्लेटो ने एथेंस, जब इनकी डेथ हो गई थी, प्राणदंड मिला था, तब इसकी वजह से इन्होंने, प्लेटो ने एथेंस छोड़ दी थी। उसके बाद वो इवेंचुअली ही रिटर्न, मतलब कुछ दिन बाद वो फिर एथेंस में आए। तब उन्होंने एक एकेडमी खोली जहाँ पे वो शिक्षा देना स्टार्ट किया था एथेंस में प्लेटो ने। प्लेटो की जो डेथ हुई थी वो 347 ईसा पूर्व में हुई थी। प्लेटो की डेथ हुई थी 347 बिफोर क्राइस्ट, और तब वो 80 साल के थे। एंड अभी अब थोड़ा सा हम देख लेंगे कि प्लेटो की रचनाएं क्या थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे द रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्रिटियाज, द लॉज एंड द प्रोटोगोरास, द स्टेटमैन एंड क्राइटो, ये सारी रचनाएं थी प्लेटो के। एंड अब आगे हम देखेंगे कि इनके शैक्षिक विचार क्या क्या थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेटो का शैक्षिक विचार क्या क्या कह रहे हैं, प्लेटो ने शैक्षिक विचार में क्या क्या बताया था अपने। इन्होंने शिक्षा को एक महान वस्तु माना। इन्होंने शिक्षा को क्या माना? एक महान वस्तु बनाया माना था। एज इट इज़ हमें लिखना होता है, इसलिए मैंने पॉइंट में बनाया है, तो इससे आपको ज़्यादा नंबर मिलता था मिलेगा। और इन्होंने अपने ग्रंथ द लॉज, मैंने रचनाओं के बारे में बात की थी, तो द लॉज है उसमें इन्होंने लिखा था कि शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठम वस्तु है, प्रथम तथा श्रेष्ठम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। तो इन्होंने द बुक अपने लॉज में लिखा था कि शिक्षा क्या है, एक वस्तु है जिसे मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, एक सर्वप्रथम वस्तु है जिसे मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। एंड इनके अनुसार राज्य के स्थायित्व के लिए शिक्षा को वास्तविक साधन माना, मतलब किसी भी राज्य के स्थायित्व स्थायित्व के लिए उन्होंने शिक्षा को एक वास्तविक साधन माना है। किसी भी राज्य की, अगर किसी भी राज्य की डेवलपमेंट होती है तो शिक्षा का उसमें बहुत ही महत्व होता है। एंड इन्होंने शिक्षा पर सबसे पहले मनुष्य का ही अधिकार बताया है, मनुष्य शिक्षा को सर्वप्रथम प्राप्त कर सकता है। एंड अब देखेंगे शिक्षा का अर्थ, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो इनके अनुसार शिक्षा एक नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, शिक्षा एक नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया होती है, यानी जो मोरल डेवलपमेंट या मोरल ट्रेनिंग होती है, जो हमारा नैतिक विकास होता है, उसकी एक प्रक्रिया ही शिक्षा होती है इनके अनुसार। एंड इन्होंने और भी बताया है कि सद्गुणों, मतलब जो अच्छी क्वालिटी होती है, क्वालिटी मतलब बुद्धिमत्ता, साहस, संयम तथा न्याय को प्रकट करता है, जो हमारे अच्छी क्वालिटी को प्रकट करता है या सद्गुणों को प्रकट करता है, तो उसे ही शिक्षा कहा है इन्होंने। एंड आगे इन्होंने और भी बताया है कि शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है या उस ट्रेनिंग से है
जो बालकों में उचित आदत निर्माण करता है, जो बालक में मतलब अच्छी हैबिट्स डेवलप करता है, अच्छी क्वालिटी डेवलप करता है। इसीलिए जन्म से मृत्यु तक या आरंभ से अंत तक हम ये जान लेते हैं कि किस वस्तु से घृणा करनी चाहिए और किस वस्तु से प्रेम करना चाहिए। तो इनके अनुसार शिक्षा वही होता है जो हमें ये बताता है कि किस वस्तु से प्रेम करना चाहिए और किस वस्तु से घृणा करनी चाहिए। ये हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी डेवलपमेंट करता है या सद्गुण डेवलपमेंट करता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना है, ऐसा प्लेटो ने कहा था। और उनके अनुसार जो हमारा समस्त कार्य होता है, शिक्षा जो हम शिक्षा के थ्रू हमारे समस्त कार्य होते हैं वो आत्मा में निहित हो जाते हैं। तो उन उन मतलब उन ज्ञान को, जो अंतर्निहित ज्ञान है, उनको बाहर निकालना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा प्लेटो ने कहा था। एंड यहाँ पे संक्षेप में देख लेते हैं कि प्लेटो का क्या क्या उद्देश्य था। शिक्षा राज्य की एकता की रक्षा करना होता है शिक्षा का उद्देश्य। गुणों अथवा नागरिक दक्षता का विकास करना होता है। सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता का विकास करना होता है शिक्षा का उद्देश्य। सत्य शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदर के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। सत्यम शिवम मतलब जो सत्य है, शुभ है, और सत्य जो होता है वो सुंदर होता है, तो उसके प्रति उनको प्रेम उत्पन्न करना है शिक्षा का उद्देश्य। और अनुभूति प्रदान करना, मोटिवेशन प्रदान करना, सहानुभूति देना, ये सब शिक्षा का ही उद्देश्य है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना, जो उनकी पर्सनालिटी है व्यक्ति की, वो शिक्षा के थ्रू ही उसका डेवलपमेंट होता है, ऐसा इन्होंने कहा था। एंड बालकों को सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना, मतलब एक अच्छे वे में, मतलब अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट करके रहना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और स्वशासित व्यक्तियों का निर्माण करना, मतलब जो अनुशासन का पालन करे, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। प्लेटो ने पाठ्यक्रम की बात की थी, इन्होंने पाठ्यक्रम पर बहुत बल दिया था कि शिक्षा में पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक होता है। एंड इसी पाठ्यक्रम के आधार पर उन्होंने शिक्षा को 3 भागों में बांटा था, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में खेल कूद, व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास तथा विज्ञान का स्थान प्रदान किया। माध्यमिक शिक्षा में इनके अंतर्गत प्लेटो ने गणित, कविता, संगीत, शिष्टाचार, धर्मशास्त्र, सैन्य प्रशिक्षण पर बल दिया था। एंड जो हायर एजुकेशन था, उन्होंने उसमें उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो ने पाठ्यक्रम में दर्शन, फिलॉसफी जो थी, नीति शास्त्र, मोरल साइंस, मनोविज्ञान, कानून और एवं आध्यात्मिक, मतलब स्पिरिचुअल जो एजुकेशन थी उस पर महत्व दिया था। और पाठ्यक्रम इनके 3 थे। शैक्षिक विचार में शिक्षण विधि भी आती है, कि उन्होंने शिक्षण विधि मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। प्लेटो ने शिक्षण विधि में अपने गुरु सुकरात की संवाद विधि को ही अपनाया था। संवाद से तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी विधि अपनाई थी। संवाद मतलब जो वाद विवाद होती है, और संवाद से तात्पर्य है विचारवान व्यक्तियों का वाद विवाद तथा तर्कयुक्त स्पष्टीकरण, जो डिबेट होता है, वो इस प्रकार की मतलब शिक्षण विधि पे इन्होंने बल दिया था। इसके अलावा प्लेटो ने बच्चों की शिक्षा के लिए खेल विधि, अनुकरण विधि एवं कहानी विधि को अपनाने पर भी बल दिया था। एंड उच्च शिक्षा पर प्लेटो ने स्वाध्याय विधि तथा वार्तालाप विधि को स्वीकार करने पर भी बल दिया था। एंड इसके साथ ही प्लेटो ने उच्च शिक्षा पर सम्यक ज्ञान अर्जन के लिए चिंतन, थिंकिंग, मनन एवं अटेंशन को भी विशेष महत्व दिया था। और इस स्तर से विद्या सत्य की खोज कर सकेंगे, मतलब जो भी चिंतन मनन ध्यान होगा बच्चों का पढ़ने में, तो इस वे से वो मतलब सत्य की खोज कर सकेंगे, मतलब अच्छे वे में जो सद्गुण है उनका विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा। और शिक्षण विधि एक थी संवाद विधि इनकी। प्लेटो ने शिक्षक के बारे में उतना कुछ नहीं बताया है, लेकिन वो अपने द्वारा जो एकेडमी स्थापित की थी उसमें वो शिक्षक के रूप में काम करते थे, एज अ टीचर काम करते थे, और वो एक आदर्श शिक्षक थे और अपने आप को एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने बताया था कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। उनका मानना था कि सभी शिक्षकों में आदर्श गुणों का समावेश होना चाहिए, और शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठा, लगन, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, दूसरे जिसे दूसरे लोग अनुसरण कर सके।
अनुशासन या डिसिप्लिन के बारे में प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो जो थे वो दंडात्मक अनुशासन के समर्थक प्रतीत होते हैं, मतलब दंड देने वाले, इसलिए वे बालक से अपेक्षा करते हैं कि वो शिक्षक के आदेशों का अनुपालन करे, जो भी शिक्षक आदेश दे उसका पालन करे। यदि छात्र अनुशासनहीनता करे तो उसे मतलब दंड दिया जाए, उस शिक्षक द्वारा उसे दंडित करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। प्लेटो का विश्वास था कि कठोर नियंत्रण एवं अनुशासित जीवन से ही सद्गुणों का विकास संभव है। इन्होंने माना था अगर किसी अगर कोई बालक है जो अध्यापक के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको दंडित करना चाहिए, इससे उसमें सद्गुणों का विकास हो सकता है। उनका मानना था कि बालक जब तक पर्याप्त बौद्धिक विकास संभव ना हो, जब तक कि बालक में बौद्धिक विकास संभव ना हो, उसे बड़ों के निर्देशनों में रहना चाहिए। मतलब जो भी गाइडेंस है, डायरेक्शन अगर बड़े प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक उसको उसी में रहना चाहिए जब तक उसमें कोई बौद्धिक विकास नहीं हो। सामाजिक अनुशासन के लिए उसने सामुदायिक तथा सहयोगी जीवन के साथ आदेशात्मक अनुशासन का भी समर्थन किया। इन्होंने आदेशात्मक अनुशासन का भी समर्थन किया है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि प्लेटो ने किस अनुशासन का समर्थन किया था तो वो दंडात्मक अनुशासन के फॉलोअर थे ये। विद्यालय का देखेंगे कि प्लेटो किस प्रकार के विद्यालय को समर्थन करते थे। तो प्लेटो जो थे अपने गुरु सुकरात की भांति थोड़े अलग थे, क्योंकि वो सड़कों पे घूम घूम के शिक्षा देते थे। सुकरात क्या करते थे? सड़कों पे घूम घूम कर लोगों को शिक्षा देते थे, लेकिन जो प्लेटो थे वो थोड़े अलग थे। उन्होंने एक अकेडमी बनाई थी और अकेडमी या संस्था में लोगों को शिक्षा देते थे, अपने विचार को प्रकट करते थे। और उनका मानना था कि उसने विद्यालय को मानवीकरण तथा सामयिक करने वाली संस्था मानी थी, समाजीकरण करने वाली संस्था माना था, जिसका प्रमुख कार्य बालकों को सहयोगी एवं सामाजिक तथा सामुदायिक जीवन व्यतीत करने की कला सिखाना था। जो उन्होंने अकेडमी खोली थी उसमें उन्होंने सामाजिक और सामुदायिक शिक्षा देने की बात कही थी, तथा उसमें मानवीय गुणों का विकास करना था और उसमें मानवीय गुणों का भी विकास करना था उनका। इन विद्यालयों का प्रमुख कार्य यही होना चाहिए कि जिससे सफल जीवन व्यतीत कर सके। उनका मानना था कि जो भी विद्यालय खुले उसमें अगर व्यक्ति का जीवन सफल हो जाए, सफल जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जाए तो उसे विद्यालय कहा था, और ऐसे विद्यालय के समर्थन थे प्लेटो। एंड यहाँ पे कुछ प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे एग्जाम में आते हैं। तो प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो पाठ्यक्रम तो मैंने बताया था कि तीन होते हैं, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा जो होती है उस। और प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या कार्य है तो ये भी मैंने बता दिया था। एंड जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं इसमें प्लेटो के मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था तो मैंने बताया था कि संवाद विधि, तर्क वाली विधि का इन्होंने अपनाया था। और प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया था ये भी मैंने एक डिटेल में बताया था। इन्होंने दंडात्मक शासन का समर्थन किया था, क्योंकि अगर शिक्षक की बात का अनुपालन नहीं होता है तो फिर शिक्षक को बालक को दंडित करना चाहिए और उनसे उनका दिशा निर्देश होगा और उनमें ज्ञान का भी प्रसार होगा, ऐसा उनका मानना था। एंड ये ओवरऑल प्लेटो का जो था शैक्षिक विचार था।